देखें, दो तीन तरीके हैं जो अंडर कंसिडरेशन भी हैं। एक तो उनको कहा जा सकता है कि आप वोट एतमाद का वोट लें, गवर्नर उनको कह सकता है, चीफ मिनिस्टर्स को, अपना रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स को, उस पर वो मौखर हो सकती है। दूसरा वो उनको भेज सकते हैं कि अदम एतमाद की अगर तहरीक जमा करवा देते हैं 20% मेंबर्स जो है वो एक रेक्विजिशन देकर उस वजीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक करते हैं तो भी वो डिसॉल्व करने से ब्लंट हो जाते हैं, माने हो जाते हैं उस वक्त तक जब तक उस पर वोटिंग नहीं हो जाती है अदम एतमाद। और बाकी अगर ये नहीं होता है तो फिर जाहिर तहलील होंगे, तहलील होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी कोई इस पर तो बड़ा वाजे है कि ठीक है अगर होंगे तो दो असेंबलियों में जो है इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे दो सूबों में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर लतीफ़ खोसा का कहना था कि किसी सूबे में गवर्नर राज का कोई इम्कान है ही नहीं, इसके आर्टिकल 232 में गुंजाइश बनती है ना 234 में है, और वहाँ कोई जंग की सूरत हाल है ना ही गवर्नर्स का मामला। लतीफ़ खोसा का कहना था कि ये कोई बादशाहत थोड़ी है कि ऐसे जाकर असम्बलियाँ तोड़ दें, ऐसा कुछ किया भी गया तो अदालत उठाकर बाहर फेंक देगी, गवर्नर राज नहीं लग सकता। गवर्नर राज का तो कोई इम्कान है ही नहीं, ना तो आर्टिकल 232 में कोई उसकी गुंजाइश बनती है, ना 234 में गुंजाइश बनती है, ना कोई वहाँ ऐसी वॉरलाइक सिचुएशन है, ना कोई इतनी टर्बुलेंस है वहाँ की, गवर्नेबल ही नहीं है सूबा, तो वो तो बड़ा महदूद दायरा होता है। ये कोई बादशाह थोड़ा है कि जाके उठा के तोड़ दें इस तरह असम्बली। वो 58(2)(b) जब से ख़त्म हुई है वो अख्तियार एग्जेक्टिव ख़त्म हो गया है, हेड ऑफ़ द स्टेट में या हेड ऑफ़ द प्रोविंस में, वो उनको अख्तियार ही नहीं है। अगर करेंगे भी तो अदालत उठा के बाहर फेंकेगी, वो गवर्नर राज नहीं लग सकता। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है या अदम एतमाद आ सकती है, ऐसा ना हुआ तो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, तहलील होने पर वाजे है दोनों असम्बलियों में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। वजारत इक्तसादी उमूर की जानिब से PTI दौर में लिया गया कर्ज और इस पर शरह सूद का तहरीरी जवाब कौमी असम्बली इजलास में जमा करा दिया। डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें PTI दौर में लिए गए कर्ज और इस पर शरह सूद की तफसीलात का तहरीरी जवाब जमा करा दिया गया। वजारत इक्तसादी उमूर की जानिब से कौमी असम्बली इजलास में जमा कराए गए तहरीरी जवाब के मुताबिक अगस्त 2018 से दिसंबर 2021 तक गैर मुल्की कर्जा जात की तकसीम 43 अरब 4 करोड़ डॉलर थी। तहरीरी जवाब के मुताबिक PTI ने 2% सूद पर दो तरफा 3 अरब 22 करोड़ अमरीकी डॉलर्स का कर्जा लिया। बॉन्ड्स की मद में 3 अरब 50 करोड़ डॉलर 7% शराय सूद पर कर्जा हासिल किया गया। जवाब में बताया गया है कि PTI ने कमर्शियल बैंक के जरिए 3% शराय सूद पर 14 अरब 53 करोड़ डॉलर्स का कर्जा लिया और 14 अरब 45 करोड़ डॉलर्स कसीरुल जहती मद में 1% शराय सूद पर कर्जा लिया गया, जबकि सेफ डिपॉजिट की मद में 1 अरब डॉलर का कर्जा 1% सूद पर लिया गया। तहरीरी जवाब में मजीद बताया गया है कि PTI दौर में टाइम डिपॉजिट मद में 3 अरब डॉलर का कर्जा 4% शराय सूद पर हासिल किया गया और 3 अरब 33 करोड़ डॉलर का कर्जा 2.5% सूद से हिसाब से लिया गया। पाक फौज के शुबे तालुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब के सफीर नवाफ सईद ए अल मालकी और मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर हमाद उबैद इब्राहिम सालम अल जहबी ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया जहां दोनों बरादर मुल्कों के सफीरों ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकात की। ISPR का कहना है कि मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। याद रहे कि 29 नवंबर को GHQ में पाक फौज की कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई थी जिसमें सुबुकदोश जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की कमान सौंपी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने निजी और सरकारी स्कूलों में हफ्ते में 3 दिन छुट्टियों का हुक्म देते हुए कहा पंजाब हुकूमत स्मोक के खात्मे में नाकाम हो चुकी है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक का तदारुक के लिए स्कूलों के हवाले से बड़ा हुक्म जारी कर दिया।
अदालत ने निजी और सरकारी स्कूलों में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी की हिदायत कर दी। अमरीकी वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक कालादम अलकायदा बरसगीर के अमीर उसामा महमूद और नायब अमीर आतिफ याहिया को दहशतगर्द करार दिया गया है। अमरीका ने कालादम अलकायदा बरसगीर की भर्तियों के मामला देखने वाले मोहम्मद मारूफ को भी दहशतगर्द करार दिया है। अमरीकी वजारत खारजा ने कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कारी अमजद को भी दहशतगर्द करार दिया है। कारी अमजद खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस और अस्करियत पसंदों का सरगना है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों की तरफ से लाहक खतरात का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। इस बात को यकीनी बनाना होगा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगा न बने। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लैंड और पाकिस्तान ने क्रिकेट की दुनिया में धूम मचा दी है। T20 सीरीज का दिलचस्प मुकाबला रहा और T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी यादगार था। दोनों बार इंग्लैंड क्रिकेटर्स बाजी लगे। अब सबकी नजरें हैं टेस्ट पर, कौन सी टीम है बेस्ट। पहली से 21 दिसंबर तक जीत उसी की होगी जो गर्म जोशी देखेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन ट्रंस रावलपिंडी में जारी पहला टेस्ट मैच देखने के लिए रक्षे में रवाना हुए, जिसकी वीडियो उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेयर की। क्रिश्चियन ट्रंस ने उर्दू में अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाया और जज्बा जुनून हिम्मत ना हार गाना भी दोहराया। लड़कों जम के खेलना क्योंकि हे जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। मैच के लिए रवाना होने से कबल रिक्शा ड्राइवर को पोटोहारी जबान में कहा कि राजा जी पिंटी जुलसा मैच तकसा। राजा जी पिंटी जुलसा मैच तकसा। चलो चलें।